कि तीन आदमी को लेके आप बैंकॉक जा रहे हैं। दोस्तों अब जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि आज तक हम जब भी मीटिंग करते थे कल हमने विश्वास तो जता लिया कि हाँ हम वहां तक पहुंचेंगे, हम विजेता जरूर हैं, हम डायमंड जरूर हैं, लेकिन अब वो रास्ते को समझने की जरूरत है कि बीइंग अ लीडर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को समझ के आगे तक बढ़ना है। और आज हमारा सौभाग्य देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं जो आज 1 लाख लोगों को लेके चल रहे हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि मेरे साथ 1 लाख के घर में लक्ष्मी का जरूर आगमन और उनके घर के दिए जरूर जलाए जाए और अंधकार का अंत हो। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय ना लेते उनको स्टेज पे बोलना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बारे में बोलना मतलब हमारे मेरे सामर्थ्य की बात तो नहीं है, सिर्फ उनका व्यक्तित्व बातों में बांधा नहीं जा सकता। सिर्फ इतनी एक चीज बताऊंगा कि जैसे मैं आपको सिस्टम का पावर समझा रहा था कि सिस्टम वो चीज होती है जिसने बिल गेट्स को 9 साल तक इस विश्व का सबसे अमीर आदमी बना के रखा, क्योंकि बिल गेट्स जो था उसने किसी प्रोडक्ट की रचना नहीं की थी, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिस सिस्टम की वजह से वो विश्व के कोने कोने तक पहुंचा और विश्व का सबसे अमीर आदमी 9 साल तक बना रहा। दोस्तों सिस्टम का वो पावर होता है, सिस्टम का वो पावर होता है कि आज विश्व में करोड़ों लोग हैमबर्गर बना सकते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड एक ऐसा सिस्टम है जो करोड़ों लोगों तक 1 सेकंड में करोड़ों हैमबर्गर पहुंचाता है। ये सिस्टम का पावर है। और दोस्तों ही इज द मैन हु इज अबव द सिस्टम, ही इज द मैन हु हैज क्रिएटेड अ सिस्टम। एक ऐसी गंगा का उन्होंने निर्माण कर दिया है, बाहर की गंगा में आप डुबकी मारोगे तो आपके पाप का अंत होगा, लेकिन ये सिस्टम वो गंगा है जिसमें अगर आप डुबकी मारोगे तो आपके घर से गरीबी का अंत होगा। एक ऐसा सिस्टम आपके बीच में आ चुका है और ये गंगा चली थी जबलपुर तक और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान तक पहुंची है, और अगर आपने और हमने साथ दे दिया तो पूरे विश्व तक पहुंचेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, हम और आप मिलकर इतिहास बनाएंगे, और हर घर में जब कोई चिराग जलेगा तो जन्म लेने से पहले ही करोड़पति पैदा होगा अगर उसका पिता और उसके मां बाप इस सिस्टम में होंगे। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो मेरा सौभाग्य मैं उनको यहां बुलाना चाहूंगा, मैन हु इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम, हु इज द वर्किंग सिस्टम, अ मैन हु इज ऑलवेज परफेक्ट एंड हु इज अबव द सिस्टम। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक जोरदार तालियों से स्वागत करें एंड प्लीज हेल्प मी टू वेलकम अवर मर्क्यूरी डायमंड, द ओनली मर्क्यूरी डायमंड ऑफ सिक्योर लाइफ, मिस्टर संजय जैन सर। बस तो इतनी तालियां, इतनी आवाज कि सर भी जोश में आ जाए। के लिए बंद कर दीजिए इसको। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों नमस्कार। आज की इस लीडरशिप मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से बधाई कि इस मीटिंग को आपने क्वालिफाई किया है। रोज हम जो काम करते हैं आज कुछ अलग हटके कुछ बातें करेंगे, रोज जो हम बातें करते हैं उससे कुछ अलग हटके बातें करेंगे। और आज की ये मीटिंग, आज की ये आपने जो समय निकाल के इसको अटेंड करने के लिए अपना कमिटमेंट दिखाया है, निश्चित है फ्यूचर में ये बहुत बड़ा योगदान देगा आज का जो दिन है। दोस्तों आप लोग सभी मेहनत कर रहे हैं, तरक्की करना चाहते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, बहुत मेहनत से आप काम कर रहे हैं। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, उस काम को हम किस ढंग से कर रहे हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। और आज उन्हीं चीजों पे रोज हम भाग रहे हैं, रोज दौड़ रहे हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद में हमारे सामने हैं। और आज की इस मीटिंग को कुछ ही लोगों को हमने कॉल किया है, आज की एक क्वालिफिकेशन है
आपको मालूम है क्या क्वालिफिकेशन है? 20+, जिन लोगों ने भी 20 या 20 से ज्यादा का ग्रुप साइज है, उन लोगों के लिए ये मीटिंग हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है। और आप बिलीव करें कि आप लोगों से अलग हैं, कॉमन से अलग हैं, और यही एक बिजनेस है जो हमें कॉमन पीपल से अनकॉमन पीपल बनाता है, और उस वो आपने करके दिखाया है। आप अकेले नहीं है, जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो आप अकेले थे, लेकिन काम करते करते आपका एक सर्टेन ग्रुप साइज है, आप अकेले नहीं है। जब शुरू में हम काम करते हैं तो शुरू में ड्रीम लिस्ट इनविटेशन शो द प्लान, ये हमारा 8-step प्रोग्राम है, उस पर हम वर्क करते चले जाते हैं और ये सफलता हमें मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन एक लेवल के बाद में हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ में कई सारे लोग होते हैं, और उनसे कैसे काम लेना है, उनके साथ में कैसे ग्रो करना है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। यदि हम इस चीज को नहीं सीख पाएंगे और लगातार जो एक्टिविटी चल रही है सिर्फ DD की बात कर रहे हैं, चेक निकालने की बात कर रहे हैं, चेक के पीछे पड़े हुए हैं, और बाकी और जो डेवलपमेंट हमें अपने आप में करना है यदि उसके लिए हमारे पास में समय नहीं है, या हमारे सिस्टम में उन चीजों को हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, तो हम ज्यादा बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। तो आपको बधाई हो कि आज ये समय निकाल करके आपने इस मीटिंग को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई तो बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन आपने न केवल क्वालिफाई किया, यहाँ आने के लिए आपने अपना मन बनाया, समय निकाल के इसको आप यहाँ पे अटेंड करने के लिए कमिटमेंट दिखाया आपने। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई है आपको। थैंक यू। जब कोई बच्चा हमारा पढ़ना शुरू करता है तो पहले वो स्कूल में जाता है, जब बड़ा हो जाता है 11 पास कर लेता है, 12 पास कर लेता है, तो उसको एडमिशन हमें किस में करवाना पड़ता है? कॉलेज में करवाना पड़ता है। तो आप भी जो है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके नीचे एक सर्टेन ग्रुप है जिसको आप लीड कर रहे हैं, और अभी तक जैसे भी आपने बिजनेस किया था, अब आगे यदि आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम वहाँ स्कूल वाले बच्चों को जो बताया करते हैं, जो फ्राइडे की ट्रेनिंग हुआ करती है, उससे अलग हटके ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। यदि आप उनको गौर करोगे, उन पे आप अपना परफेक्शन लेकर के आओगे, आप सीरियसली काम कर रहे हो, तभी तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने काम करना स्टार्ट किया था, एक आदमी जो ज्वाइन करता है उसके लिए दो लोगों को रिकमेंड करना, दो लोगों को ज्वाइन कराना बड़ा मुश्किल होता है, और दो लोग ज्वाइन नहीं हो पाते और बिजनेस छोड़ के चला जाता है। आपके नेटवर्क में, आपके डाउनलाइन में ऐसे लोग देखे आपने जो करने के पहले हार मान लेते हैं? लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो। ना केवल आपने दो लोगों को रिकमेंड किया है, आपका एक अच्छा खासा ग्रुप साइज है, उस लेवल को आपने हासिल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आप में लीडरशिप है, आप इस काम को कर सकते हैं, आपने करके देख लिया है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं वो आपने देख लिया है, आपके नीचे एक सर्टेन ग्रुप लेवल तैयार हुआ है, आपकी एक टीम बन गई है, उस टीम को आप कैसे लीड करके आगे लेकर के जाना है ये देखना, ये सीखना बहुत जरूरी है। यदि ज्यादा बड़े रिजल्ट चाहिए, और जैसे हम काम करते हैं वैसे ही करते रहेंगे, अपने आप में चेंज नहीं करेंगे, तो ये बड़ा काम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि बड़ा काम करना है तो इस तरह की मीटिंग्स को हमें बीच बीच में जरूर हमें कॉल करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हमें और क्या क्या चेंजेस करने हैं, और उसी तरह की एक मीटिंग है जो आज यहाँ पे हमने कंडक्ट की है। और आज सबसे अच्छी बात, जब मैं वहाँ सामने बैठा हुआ था तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और मुझे ध्यान भी नहीं था, लेकिन सामने एक यहाँ पर स्लाइड चल रही थी, उसमें एक डेट पड़ी हुई थी। डेट क्या थी आज? आज की डेट क्या है? 17/2007। तो आज का दिन तो वैसे ही ऐतिहासिक है, ये बहुत खूबसूरत दिन है। 17/7, 7 तीन बार 7 का उपयोग हुआ है। थैंक यू। तो सबसे पहली बात, इस बिजनेस में हमें किस चीज की जरूरत है, उसको यदि मैं डिस्कस करूं, डिस्क्राइब करूं, तो वो है हमारा एटीट्यूड। दो चीजों की जरूरत है इस बिजनेस में। आप है ना, कॉपी पेन सब बंद कर दीजिए, बस रिलैक्स होके बैठिए और सुनिए। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नोट नहीं करना है, हमें समझने की जरूरत है। समझ नहीं होती है इसलिए हम फेल होते हैं, नहीं तो लाख आप नोट कर लो मैं बताऊंगा ठीक है, नहीं तो किताबों में मिल जाएगा, लोग लिख के चले गए हैं, तो उन किताबों से यदि सीखने मिलता, लिखने से कुछ होता तो कोई बात, मतलब सारे लोग सफलता ले लेते हैं। हमें क्या है, इस पूरे बिजनेस की साइकोलॉजी को समझना है, ये बिजनेस रन कैसे करता है इस बात को समझना पड़ेगा।
और अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं किसके नीचे हो रहे हैं, ये सारी टॉप लीडरशिप आज अहमदाबाद की यहां पर बैठी हुई है, इन्हीं के नीचे नीचे सारे डेवलपमेंट है। और हम जो भी बात करेंगे, जो भी काम करेंगे, हम जैसा करेंगे वैसा नीचे होने वाला है। तो इस मीटिंग के खत्म होते होते तक हमारी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले हम पूरी एक समझ पैदा करें कि वास्तव में ये बिजनेस किस तरह से रन करने वाला है, और एंड होते होते तक हमारा एटीट्यूड पूरी तरह से बदल चुके, तब तो ये हमारी मीटिंग जो हमने कॉल की हुई है इसका हमें फायदा मिलेगा। तो इसमें दो चीजें हैं जिनकी वजह से ये बिजनेस रन करता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस बिजनेस को कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स हैं कुछ करने की, जो हम करते करते सीख जाते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं उनमें बताया जाता है, हमारे लीडर्स के माध्यम से हमको बार बार बताया जाता है कि इस बिजनेस को कैसे करना है। छोटी छोटी टिप्स आपको हर बार हर फ्राइडे को दी जाती है, फ्राइडे को नहीं मिलेंगे तो कोई बड़ा सेमिनार होगा उसमें कुछ टिप्स बताई जाएगी। और दूसरी चीज है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया? हमारा नजरिया, हम किसी भी चीज को किस ढंग से देखते हैं, हम किसी भी चीज के लिए किस ढंग से सोचते हैं, हम किसी भी चीज के बारे में जब डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन किस तरह का होता है, वही चीज जो होती है वो नजरिया कहलाता है। नजरिया दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव नजरिया होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, दूसरा एक निगेटिव एटीट्यूड हुआ करता है। और यदि हम दोनों की बात करें, एटीट्यूड प्लस टेक्निक्स की बात करें, तो दोनों में यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो मैं किसी चीज को यदि सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूं, ना केवल मैं वैल्यू देता हूं, आज जितनी भी किताबों को आप पढ़ेंगे, जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बातों को सुनेंगे, तो उनका भी मानना यह है कि यदि दुनिया में कोई भी आदमी सफलता लेता है, सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसका एक ही रीजन है कि कितना वो उसका एटीट्यूड सही है। तो एटीट्यूड को सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। हमारा नजरिया है जो हमें सफलता दिलाता है, और हमारा नजरिया है जो हमें असफलता दिलाता है। तो उस नजरिए को हमको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। यदि नजरिया ठीक नहीं होगा तो हमारी सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है। और यदि हम परसेंटेज वाइज देखेंगे, एटीट्यूड और टेक्निक्स की यदि बात करेंगे, तो एटीट्यूड की जरूरत 95% की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 5% टेक्निक की जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में। यदि हमको सफलता लेना है तो सिर्फ एटीट्यूड ही है, जिसको हमने ठीक कर लिया तो हमारी सफलता वैसे की वैसी पक्की हो जाएगी, सिर्फ एटीट्यूड। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लीजिए एक गिलास में हमने पानी रखा हुआ है, उसको आधा हम खाली कर देते हैं। दो तरह के आदमी हो सकते हैं जब उस गिलास के बारे में पूछे कि भाई इस गिलास को देख करके आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या है, तो एक आदमी क्या आंसर देगा, आधा खाली है। और उसी गिलास को देख करके दूसरा आदमी क्या बोल सकता है, आधा भरा है। तो यही पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड की बात होती है कि एक आदमी उसी चीज को देख करके क्या सोच रहा है और दूसरा आदमी उसी चीज को देख करके क्या सोच रहा है। और डेली लाइफ में जब हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब हम घर में होते हैं, जब रिश्तेदारों के बीच में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, तो हमारी एक किसी भी चीज को देखने की, सोचने की, डिसीजन लेने की अपनी एक आदत होती है जो बचपन में हमने सीखी हुई है। और उस एटीट्यूड के साथ में ही हम पलते हैं, बढ़ते हैं और बड़े होते हैं, और वो एटीट्यूड ही है जो हमको सफलता और असफलता दिलाता है। यदि हम दोनों की बात करेंगे, टेक्निक्स की और एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड जो है ज्यादा जरूरी है सफलता को लेने के लिए। आप मुझे बताइए कि एक आदमी हर तरह से स्किल है उसको, बात करने की उसको खूबी आती है, बहुत अच्छी वो बातें कर लेता है, उसको लिस्ट बनाना आ जाता है, उसकी लिस्ट जो है यहां से शुरू करे तो कलकत्ता में जाके भी खत्म नहीं होती है, लिस्ट उसकी चलती रहती है। एक आदमी ऐसा है जिसको टेक्निक के मामले में बहुत अच्छा वाक्पटुता है, चार लोगों से बात कर लेता है, फॉलोअप बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की जब बात आती है तो उससे अच्छा प्रोडक्ट तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। यदि आप इनविटेशन की बात करोगे तो खड़े खड़े लोगों को इन्वाइट कर लेता है। इतनी सारी उसमें खूबियां हैं, मतलब वो टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से समझता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी यदि उसका एटीट्यूड सही नहीं है तो क्या वो लॉन्ग टर्म में बड़ा बिजनेस कर पाएगा? क्या बड़ा बिजनेस हो सकता है? क्या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मतलब खराब व्यवहार से और खराब एटीट्यूड की वजह से कोई भी आदमी इस बिजनेस में कभी भी सफलता नहीं ले पाएगा। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको लिस्ट बनाना नहीं आता, जिसकी कोई बहुत अच्छी लिस्ट नहीं है,
जिसको बात करना नहीं आता है, जिसके पास में कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है, लेकिन एटीट्यूड वाइज यदि देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, किसी भी चीज को लेकर के बहुत उत्साहित होता है, किसी भी चीज को लेकर के वो सीखने के लिए अपना समय देता है, टीचेबिलिटी होती है उसके पास में, सारी इसमें योग्यताएं हैं और उसका एटीट्यूड 100% सही है। आप मुझे बताइए कि पहला वाला आदमी लॉन्ग टर्म में सफलता लेगा या दूसरा वाला आदमी जिसकी मैंने अभी बात की है वो सफलता लेगा? तो हमारे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी किस बात की हो गई? राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत हो गई। और यदि हम देखेंगे तो दिन भर में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें एटीट्यूड की दिखाने की जरूरत पड़ती है, सीखने की जरूरत पड़ती है, सोचने की जरूरत पड़ती है और अपने आप को उस तरह से व्यवहार में लाने की जरूरत पड़ती है। तो वो एटीट्यूड आपका क्या है, इस बात पर लोग आपके साथ रुकने वाले हैं, लोग आपके साथ में रहने वाले हैं, नहीं तो लोग भाग जाएंगे। आप मुझे बताइए कि एक फोन हमारा आता है, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो किसके साथ में कर रहे हैं बिजनेस? लोगों के साथ में कर रहे हैं। कभी अपलाइन का कोई आदमी होगा, कभी डाउनलाइन का कोई आदमी होगा, कभी कोई क्रॉस लाइन का आदमी होगा, जिसके बीच में हम हमेशा रहा करते हैं। या तो आप कार में चल रहे होंगे तो अकेले नहीं होंगे, चार लोग आपके साथ में बैठे होंगे। यदि आप किसी प्लेस पे खड़े हैं तो कोई ना कोई आदमी आपके पास में घेर करके आपको खड़ा हुआ है, क्योंकि आपका अकेले का ग्रुप नहीं है, आप सारे के सारे लीडर्स हैं, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रहा करते हैं। आपका एक फोन कॉल आता है और फोन सामने से आप देखते भी नहीं है और फोन को अटेंड करने के बाद बोलते हैं, हाँ भाई बोल क्या बात है, अच्छा ठीक है मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, बहुत बिजी हूं, तूने अभी कैसे फोन लगा लिया, ये कोई टाइम है क्या तेरे फोन लगाने का, चल तेरे से बाद में बात करूंगा, या बाद में लगाना, तू रात को फोन लगाना। और एक आदमी के पास फोन आता है और वो ये बोलता है कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई, नमस्कार, और कैसे हैं आप? देखिए जी मैं अभी बहुत बिजी हूं, अच्छा होगा यदि आप मेरे को दोबारा से फोन करेंगे, या अभी आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइए कि मैं आपको कब फोन कर सकता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको दोबारा से अच्छे से इत्मीनान से बातचीत करो, मैं फिर से दोबारा से फोन करता हूं आपको, ठीक है, थैंक यू। एक आदमी ऐसा था जिसने इस तरीके की बात करी, दूसरा आदमी ऐसा था जिसने इस तरीके की बात करी। मुझे बताइए कि लोग जो उसके आसपास में हैं देख रहे हैं उसको, उसकी बातों को सुन रहे हैं, और किसी भी आदमी की बातों को सुन के, देख करके, चलने का फिरने का सारा अंदाजा देख करके, क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन आदमी सही है, किस आदमी का एटीट्यूड सही है और किस आदमी का एटीट्यूड खराब है? अंदाजा लगा सकते हैं? तो हमारे साथ में चूंकि लोगों का बिजनेस है तो लोगों के साथ में हम किस एटीट्यूड के साथ में रहते हैं, लोग तभी हमारे साथ में स्टे करेंगे जब हमारा एटीट्यूड अच्छा होगा। और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का एटीट्यूड ठीक कराएंगे, इस तरह के एटीट्यूड की बात करेंगे, हमारे बिजनेस में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में लोगों को समझाएंगे, और धीरे धीरे जब ज्यादा अच्छे एटीट्यूड के लोग हमारे साथ में होंगे तो लोग आएंगे और हमारे साथ में स्टे करेंगे और उनको अच्छा लगेगा बीच में बात करना। यदि हम एटीट्यूड सही नहीं रखेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं होने वाला। यदि हम एटीट्यूड की बात करेंगे तो एटीट्यूड दिखाने की जरूरत कहां कहां पड़ती है, पहले तो हम ये देखें कि एटीट्यूड के बारे में एक बहुत अच्छी बात किसी ने मुझे बताई थी, यदि ए से लेकर के जेड तक सारे अल्फाबेट को यदि हम नंबर देते हैं, यदि ए को 1 नंबर देते हैं, बी को 2 नंबर देते हैं, सी को 3 नंबर देते हैं और जेड को 26 नंबर देते हैं, यदि सारे अल्फाबेट को हमने नंबर दे दिया और यदि हम सोचते हैं कि इस बिजनेस में हार्डवर्क है जिसकी वजह से हमें सफलता मिलती है, तो हार्डवर्क आप लिखिए, एच का जो नंबर आ रहा है उसको लिख लीजिए, ए का नंबर जो आ रहा है उसको आप लिख लीजिए, आर का जो नंबर आ रहा है आप उसको लिख लीजिए, डी का नंबर जो आ रहा है, तो हार्डवर्क की जो स्पेलिंग है उसका जब आप टोटल करोगे तो वो टोटल आता है 97। कितना टोटल आता है? 97। और यदि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लक जो है इस बिजनेस में जरूरी है, लक यदि अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हैं, दो ही लोगों को तो ढूंढना है, कुछ लोग ऐसे उदाहरण भी दिया करते हैं, तो LUCK यदि आप LUCK को लिखोगे उसका टोटल करोगे तो वो भी 90 के आसपास आता है, और यदि एटीट्यूड को आप लिख के उसका टोटल करोगे तो एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड है जिसका टोटल 100 आता है, 100 आता है। थैंक यू। तो एटीट्यूड जो है हमारा ठीक होना बहुत जरूरी है, और एटीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड की जरूरत कहां कहां पड़ती है वो हमको देखना पड़ेगा। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि लोगों के बीच में हमको इस बिजनेस को करना है, तो हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप
क्योंकि हमारा ये बिजनेस बगैर रिलेशनशिप के नहीं बिल्ड होने वाला है। आपको अपनी अपलाइन के साथ में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, डाउनलाइन के साथ में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, पैरेलल में जो ग्रुप काम कर रहा है जिसको हम ब्रदर लाइन बोलते हैं या को लाइन बोलते हैं, उनके साथ में आपको अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। और उनको देख करके आपको कैसा फील होता है, लोगों से मिलकर के आपको कहीं एडजस्ट तो नहीं करना पड़ता है। जब लोग आपके सामने आते हैं तब आप क्या फील करते हो, आपको आराम से एडजस्टमेंट हो जाता है और आप उसको वेलकम करते हो, या फिर आप दूसरे दृष्टि से देखते हो कि भाई ठीक है आ गया है बैठ जा। जब हम किसी आदमी को देखते हैं तो आदमी को हम उसकी वेशभूषा से पसंद करते हैं, उसके व्यवहार से, उसके चेहरे से, मोहरे से, उसकी खूबसूरती से उसको पसंद करते हैं, या फिर हम इस बिजनेस को नीड समझते हैं और समझते हैं कि नहीं कोई भी आदमी जो इस बिजनेस में आएगा उसको हमको वेलकम करना है, उसके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करनी है और हर आदमी से मिलकर के हमें खुश होना है। हमारा एटीट्यूड क्या है, सबसे पहले टू वर्ड्स रिलेशनशिप, हमारा एटीट्यूड क्या होता है ये चेक करना पड़ेगा। यदि आप नाक मुंह सिकोड़ रहे हो किसी आदमी को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके, उसके कुछ पोस्चर को लेकर के, या उसके जो हाव भाव है उसको लेकर के, यदि उसको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है उसको लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, यदि आप रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एटीट्यूड आपको बड़ी सफलता नहीं दिलाने वाला है। लोग आपके साथ नहीं टिकेंगे, लोग आपके साथ बिखर जाएंगे, लोग आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। कुछ दिन आएंगे, बिजनेस अच्छा लगेगा, ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब ये एटीट्यूड देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि नहीं भाई यहाँ तो पार्शलिटी होती है, यहाँ वैल्यूज नहीं मिलती है, यहाँ सिर्फ पैसों की बात की जाती है, रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, तो हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताइए कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं? जो लीडर्स हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन हम जहां जहां जा रहे हैं ये मैसेज देना शुरू कर रहे हैं और लोगों को हम यही बातें किया करते हैं। हम जब लेते हैं तो अपने ग्रुप से मतलब रहता है, दूसरे ग्रुप से हम देखना भी नहीं चाहते हैं। दो ग्रुप आपस में मिलते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि भाई ये लोग क्यों मिल रहे हैं, तो आदमी और देखना शुरू कर देता है कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है भाई, ये दोनों क्यों आपस में बात कर रहे हैं, इन दोनों का क्या लेना देना है। और ऐसी जब बातचीत शुरू होती है ना तो लोगों को हालांकि इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन जब इतना माइन्यूटली चेक करना शुरू कर दिया जाता है तो लोगों का आपस में मिलना जुलना बंद हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं कि दूसरों का एक दूसरे का मिलना उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले चेक करने की जरूरत है कि जब हम पीपल बिजनेस में हैं, जहां लोगों के साथ में हमें लगातार काम करना है, लोगों के साथ में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तो आप मुझे बताइए कि लोग हमारे साथ में कब आएंगे, जब उनको कंफर्टेबल फील होगा, हमको वो खुश दिखाई देंगे, जब वो आएंगे तो चेयरफुली आप उनको वेलकम करते होंगे। आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि वो हमारे ग्रुप का है कि किसी और के ग्रुप का है कि कहीं है, सबसे पहले वो एक इंसान है और हमारे इस बिजनेस को उसने ज्वाइन किया है, हमारे इस ग्रुप को उसने ज्वाइन किया हुआ है, सबसे पहले दिल में ये भावना होना चाहिए। यदि ये कर पाएंगे तो लोग रुकेंगे, नहीं तो आप खुद पलट करके देखो कि हमारे ग्रुप का साइज क्या था, कितने लोग हमारे साथ में आए थे और आकर के कहां चले गए, जाने कहां गए वो लोग, एक सीरियल आया था, ऐसा कहीं तो नहीं हो रहा है। और आप खुद थोड़ा सा पीछे पलटिए और देखने की कोशिश करिए कि जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब आप जब इस ग्रुप में आए थे तो आपको कैसा फील होता था, आपको क्या डर लगता था, आपको क्या लगता था, आप एकदम से एडजस्ट हो गए या एडजस्ट होने में आपको टाइम लगा? हर आदमी नहीं है जो आकर के हमारे ग्रुप के बीच में एडजस्ट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा समय लगता है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो पब्लिक फियर मेरे को बहुत ज्यादा था, मुझे डर लगता था कि यार मैं कैसे कहूंगा, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, मैंने टाई ठीक ढंग से पहने की नहीं पहनी है, मैं जाऊंगा तो मुझे कहां से बात स्टार्ट करनी पड़ेगी, मेरे को हाथ कैसे मिलाना है, मैं कैसे लोगों से बातचीत करूंगा, मुझे क्या बात करना है। तो मैं अपने मन ही मन जो है ना बहुत ज्यादा सवाल अपने पैदा करता था। और मेरे ख्याल से ये जो सवाल मेरे साथ में है आप लोगों के साथ में भी हुए होंगे कि हमने एक बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे हमने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे लोगों को कॉन्टेक्ट करना है, ये कुछ भी नहीं आता था। ऐसा होता था आपके साथ? तो आज हमारे बिजनेस में आप कल्पना करो कि एक आदमी साइन अप करता है और साइन अप करने के बाद उसको जो अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है वो सिक्योर लाइफ की अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है। उसे हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बातें बताते हैं कि एक सिस्टम है जो हमको हर कदम के सपोर्ट करने वाला है। लेकिन धीरे से कुछ लोग आप चेक करो क्या आपके नीचे डाउनलाइन में
कहीं इस तरह के एटीट्यूड तो डेवलप नहीं हो रहा है कि हम अपने लोगों को बड़ा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं और उनको ये सिखा रहे हैं आते के साथ में कि तू इससे बात नहीं करना, इससे बात करना, इससे बात नहीं करना, उससे बात करना, यहाँ ये आदमी अच्छा है, ये आदमी खराब है। यदि इस तरह की एक्टिविटी कहीं ना कहीं चल रही है तो वो आदमी आने के पहले काम तो करेगा ही नहीं, वो इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाएगा। तो हमें सबसे पहले रिलेशनशिप पर ध्यान देना है। यदि ये चीज हम मेंटेन कर पाए तो आप देखिए कि इतना बड़ा बिजनेस होगा, इतना बड़ा बिजनेस होगा। हम अपने ग्रुप को ऐसा कुछ कल्चर डेवलप करें कि कोई भी आदमी कहीं से भी आएगा हमारे ग्रुप में वो आराम से एडजस्ट हो जाए। वो जब आए तो चार लोग आगे बढ़ करके उससे हाथ मिलाएं, उसका वेलकम करें, उसको बोले कि बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, आपको हम वेलकम करते हैं, और बताइए आप कैसे हैं, आप क्या काम करते हैं, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप यदि बैंक में जॉब करते हैं तो हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा। और जरूरी नहीं है कि वो आपके डाउनलाइन का बंदा होगा तो आप अच्छे से बात करोगे, क्रॉस लाइन का बंदा होगा तो उससे ठीक से बात नहीं करोगे। आप मुझे बताइए कि यदि ये भेदभाव हमने यदि खत्म कर दिया तो बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा, बताइए मुझे। और यदि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो यदि अच्छा नहीं होगा, वातावरण अच्छा नहीं होगा, लोग आएंगे, लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, तो वो जो आदमी आया हुआ है इतने सारे लोगों को देख करके वो घबरा जाएगा। आप मुझे बताइए कि सपोज करिए कि एक कोई ऐसा आदमी है, सॉरी एक अपन कह सकते हैं कि आपके घर में कोई इनविटेशन कार्ड आया, आपका कोई ब्रदर था, ब्रदर के फ्रेंड के यहां किसी के घर में शादी है और आपका ब्रदर कहीं बाहर गया हुआ है, किसी भी हालत में जा नहीं सकता है। आपके ब्रदर ने यह बोला है कि भाई जरूर जाकर के मेरे फ्रेंड के यहां शादी में अटेंड कर लेना और वहां व्यवहार दे देना। आप बोलते चलो ठीक है मैं जाकर के दे दूंगा। जब आप उस घर में उस शादी में जाते हो, उस रिसेप्शन में जाते हो, कोई आपको जानता है क्या? कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जब आप उस शादी में एंटर करते हैं तो आपको क्या फीलिंग आना शुरू होती है? एक नई जगह जा रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, मैं किससे मिलूं, किससे नहीं मिलूं, कोई मेरे पहचान का तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं किससे मिलूंगा, वो गेट पे जो खड़े हुए हैं वो कौन है पता नहीं। फिर आप अंदर भी चले जाओगे तो कई बार ऐसा होगा कि आप अकेले अकेले इतना ज्यादा अपने आप को फील करेंगे कि आप अकेले हैं और सारे के सारे ग्रुप में लोग खड़े हुए हैं, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई सूप पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लोग अपने आप में बिजी हैं। और आप ऐसी अनजान जगह जाओगे जहां पर आप चले तो गए हो लेकिन आपको कोई भी नहीं जानता, और कोई आके आके ऊपर से आपको ये बोल दे क्यों भाई, क्या किसको ढूंढ रहे हो आप, कैसा फील करोगे? आप शायद जितनी गालियां दे सकते होगे मनी मन दोगे और ये विचार करोगे कि आज के बाद मैं अपरिचित किसी आदमी के यहां शादी में नहीं जाऊंगा, यही विचार करोगे ना। और हमारे इस ग्रुप में लोग साइन अप कर रहे हैं, जब वो आएंगे उनको ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा शुरू शुरू में, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है कि डाउनलाइन के किसी बंदे ने ज्वाइन करा लिया और बोला कि चल तू पहुंच जाना, जरूर पहुंचना, फ्राइडे को मैं पहुंच रहा हूं, और वो आदमी मिलता ही नहीं है जिसने बुलाया, फ्राइडे को टाइम से पहुंच भी गया, बहुत एक्साइटेड है काम करने के लिए, और ऐसा कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, जो भी प्रॉब्लम आई, जो कुछ भी रहा, ना अपलाइन को मालूम है, ना जिसके साथ में वो आदमी ज्वाइन किया उसको मालूम है, और वो आदमी वेन्यू पे आकर के कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। और जो आपस में परिचित है वो तो अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन जो एक नया आदमी आया हुआ उसको तो एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लग जाता है, उसको बड़ी ऑकवर्ड फील होती है। और एक बार जब उसके साथ में ऐसी स्थिति बन जाती है तो जिंदगी में कभी भी वो चाहेगा आप बुलाओगे तो नहीं आने वाला है। और लोगों को हम क्या बोलते हैं कि लोग काम नहीं करते हैं, लोग आते नहीं है, लोग क्यों आएंगे, क्यों काम करेंगे, जहां जिनकी इंसल्टिंग होगी ऐसे प्लेस पे कोई आदमी क्यों आना चाहेगा। और हर हफ्ते इस तरह कितनी स्थितियां बन रही है, जब लोग आ रहे हैं लोगों की केयर नहीं हो रही है, लोग आ रहे हैं लोगों के साथ में बात करने के लिए कोई खाली नहीं है, लोग आ रहे हैं अपने ग्रुप तक सीमित हैं, दूसरे ग्रुप का चक्कर रहता है, ये और वो और ऐसा करके लोग है ना इस बिजनेस को खराब कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड जो है, सबसे पहले यहाँ जितने लोग बैठे हैं यदि इस चीज को समझ जाते हैं कि हमारा बिजनेस रिलेशनशिप पर बेस्ड है और जितने भी लोग आएंगे चेयरफुली हमें उनसे मिलना है, उनसे मुलाकात करना है, उनका स्वागत करना है, उनको वेलकम करना है और उनको हेल्प करनी है। कोई भी आदमी ऐसा अनजान दिखाई देता है आप उससे जरूर मिलिए, आइए साहब बैठिए, आप बैठिए मैं खड़े रहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं, आइए। यदि वो किसी के बारे में पूछते तो आप उनको अच्छे से हेल्प करिए कि कोई बात नहीं है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी आते होंगे, वो तो बड़े प्रॉम्प्ट हैं। और होता क्या, इसका उल्टा होता है,
यदि कोई आदमी हमारे पास में आ गया भला भटका भूला भटका और बोलने लगा कि अरविंद जी दिखाई नहीं दे रहे, अरविंद जी ने मेरे को बुलाया था, उल्टी बात कहेंगे अरविंद जी का तो काम ही ऐसा ऐसा, वो बुला लेते हैं और रहते नहीं है। तो बताइए यदि ये एटीट्यूड रहेगा तो काम होगा क्या? और इस एटीट्यूड को हमको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। अभी बैठ के लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं यहां जितनी भी बात कह रहा हूं उसमें यदि किसी कोई एक आदमी भी उस चीज को कर रहा है तो मेरी बात है उसके लिए है। आप समझ रहे हैं? मैं मानता हूं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में हो सकता है, और यहां से किसी भी एक आदमी को भी ऐसा लगता है कि ये हाँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, तो ये बात उसके लिए है। अब ये वो कौन आदमी है मुझे नहीं मालूम है, अब मैं लोगों से नजरें मिला के भी बात कर रहा हूं, तो आपसे नजरें मिलाऊं तो ये मत समझना कि मैं आपके लिए कह रहा हूं, ठीक है? मैं उस आदमी से कह रहा हूं जो ऐसा कर रहा है, नजरें मिलाने का मतलब नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपके लिए नहीं है। तो एटीट्यूड आपका रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है, आपस में एक दूसरे से परिचय होना चाहिए, और बल्कि कुछ ऐसे सिस्टम आप इनकॉर्पोरेट करो खुद आगे होकर के, चूंकि आप लोग तो बहुत पहले से ज्वाइन करके रखे हुए हैं, तो जब भी आप आता आप एक ही काम करो ना, आइए साहब नमस्कार कैसे हो आप, क्या नाम है आपका, आप क्या करते हो, आप खुद हो करके आगे बढ़ करके लोगों से यदि मिल लोगे तो कोई तकलीफ हो जाएगी क्या? आप कितने ज्यादा लोगों से आप हाथ मिला सकते हैं, कितने ज्यादा लोगों से आप परिचय कर सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। और साथ रह के यदि एक दूसरे को नहीं जान रहे तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। हम सारे लोगों को तो नहीं जान सकते क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन बहुत सारे लोगों से आप अपना परिचय बनाने की कोशिश करिए। ये कॉमन रेपो जो हमारा एक सिस्टम होता है जिससे हम रिजल्ट निकालते हैं, वो तभी फुलफिल हो पाएगा, तभी पूरा हो पाएगा जब हम एक दूसरे को जानेंगे। आपको सिखाया जाता है कॉमन रेपो? कॉमन रेपो में क्या बताया जाता है कि यदि कोई बैंकर आता है, किसी बैंक में जॉब करता है, यदि वो प्लान देखने के लिए आया है, तो आप उसको कॉमन रेपो में जो और हमारे प्रीवियसली बैंक में कोई जॉब कर रहा है तो उससे हमें मिलवाना है, यही बताया जाता है। लेकिन कब मिलवाएंगे? जब हम जानते होंगे। जब आपके रिलेशन ही नहीं होंगे तो कोई आदमी क्यों मिलेगा आपसे, क्यों मिलवाओगे आप किसी भी आदमी से, मुझे ये बताओ कैसे मिलवा पाओगे आप? चलिए हम 5 मिनट का यहाँ पर एक सेशन रखते हैं जहां आपने खड़े होना है, एक दूसरे से हाथ मिलाना है, परिचय करना है, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करने हैं, यही काम करना है आपको 5 मिनट में, ठीक है? करो, कितने ज्यादा लोगों को आप जल्दी से जल्दी जान पाते हो, और इस प्रोसेस को अभी करते हैं हम 5 मिनट के अंदर। खड़े हो जाइए आप लोग। जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो जिसको नहीं जानते हैं उनसे आपको नंबर एक्सचेंज करने हैं।
चलो जी, अब वक्त खत्म हो गया है, आ जाओ सारे लोग अपनी अपनी जगह पे। चलो आ जाओ आगे, और भी बहुत सारी बातें हम सिखा रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाओ। ये काम अब आगे करना है आपको, कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, ये सारी टेक्निक्स है जो मैं बता रहा हूं आपको। आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। थैंक यू। देखो एक ही दिन में हमारा सारे लोगों से परिचय नहीं होगा, लेकिन आप देखिए कि एक छोटा सा सेशन हमने रखा था, लोगों से आपस में मिलने में कितना अच्छा लग रहा था। आपको अच्छा लगा ना, एक दूसरे के बारे में जानने में, एक दूसरे के बारे में पता करने में। और अब ये पता चलेगा कि अगली बार जब भी हम आएंगे तो अकेले नहीं होंगे, वेन्यू पे कोई ना कोई होगा जिससे हम मिलवा सकते हैं, जिसको हम हेल्प के रूप में यूज कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जब हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये हो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाने। अब यहां पे प्रैक्टिकल एक दो प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि भाई चलो नंबर मिल गया, चल तेरे को वहां अच्छा काम कर रहा है ना, मैं तेरे को अपनी लेग में ज्वाइन करा लूंगा। अब तो बहुत अच्छी है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या हमारे बिजनेस में? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और बीइंग ए लीडर तो मेरे को तो ये बात कहना भी नहीं, ठीक नहीं लगता है कि ऐसी बात भी मैं आप लोगों के सामने कहूं, क्योंकि आप लोग बहुत ही मैच्योर्ड लोग हैं। एक लेवल पे पहुंचने के बाद में आप इस मीटिंग में बैठे हैं, तो हम लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं करेगा और ना कोई किसी को प्रमोट करेगा। लेकिन अब दूसरी बात यह होती है कि कभी भी किसी का एक सा बिजनेस नहीं होता है, किसी का बहुत अच्छा चल रहा होता है, किसी का डाउन होता है, किसी का डाउन होता है तो दूसरे का बहुत अच्छा चल रहा होता है। ऐसा होता है? अच्छा, हर आदमी के अपने अपने परसेप्शंस भी होते हैं। कोई आदमी किसी चीज को अच्छा मानता है, कोई आदमी किसी चीज को अच्छा मानता है। लेकिन यहां इस बिजनेस में मेरे ख्याल से आप लोगों में इतनी मैच्योरिटी तो आई गई होगी कि आप पता कर पाओ कि कौन आदमी निगेटिव बात कर रहा है, कौन आदमी पॉजिटिव बात कर रहा है। ये पता कर सकते हो? Yes. पक्का? Yes. लेकिन है ना, जब एक आदमी निगेटिव होता है ना तो ढूंढता कि कोई मेरे जैसा आदमी मिल जाए, तो एक से भले दो हो जाते हैं, दो निगेटिव मिलकर के उनको एक दूसरे का सहारा रहता है। बोले तेरे भी चेक नहीं आते, मेरे भी नहीं आते भाई। थैंक यू। तो यदि आपने इस रिलेशनशिप को सही ढंग से मेंटेन नहीं किया तो आप नीचे की तरफ चले जाओगे, इस बात का भी ध्यान रखना। ये रिलेशनशिप को यदि आपने समझ लिया और इस रिलेशनशिप को आपने यूज करना सीख लिया तो ये रिलेशनशिप जो आज मैं सिखा रहा हूं आपको लाइफ में इतनी काम आएगी, इतनी काम आएगी, जो बिजनेस आज तक नहीं हुआ वो बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है आपका, सिर्फ इस रिलेशनशिप की वजह से। और इस रिलेशनशिप में गलत आदमी के चक्कर में फंस गए आप,
तो कोई बचाने भी नहीं आ रहा आपको, क्योंकि एक नेगेटिव आदमी 100 लोगों को क्या करेगा, पॉजिटिव नहीं करेगा, क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। उसके चेक नहीं आ रहे तो वो चाहे वो किसी और के भी नहीं आने देगा। तो आपने अपने आप को नेगेटिव आदमी से संभाल के रखना है। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हम किसी से भी रिलेशनशिप कर लेंगे। यहां पर आपको देखना है, एक रोता गाता आदमी जो हमेशा ही रोता है, हैरान है, परेशान है, उसके पास रोने के अलावा कोई प्रॉब्लम मतलब कोई और चीज नहीं होती है, तो उस आदमी से आपको बचना है। इतना कर पाओगे आप? और एक ऐसा आदमी भी मिलेगा जो आपसे मिलकर के खुश होगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपके प्रोस्पेक्ट यदि आएंगे तो आप उससे मिलाओगे तो वो आपके साथ में हेल्प करेगा, आपको पूरा गाइड करेगा, आपकी उसकी कोशिश होगी कि कैसे भी करके वो आपको साइन अप मिल जाए। जब आपकी रिलेशनशिप रहेगी तो आपका भी तो प्रोस्पेक्ट आएगा, तो वो हेल्प करेगा, उसका आएगा तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप मुझे बताइए कि हमारे एक किसी प्रेजेंटेशन में 350 लोग आते हैं, हमारे डाउनलाइन में नीचे ही कोई ना कोई लेकर के आ रहा है, उस समय इतना वक्त नहीं होता है। मान लीजिए कि राज झा साहब के पास में कोई आदमी आ गया, फॉलोअप के लिए बैठ गया, राउंडर चल के वो उनसे हेल्प ले रहा है, तो राज साहब जो है एक बार में एक या दो लोगों से या तीन लोगों से मिलेंगे, लेकिन बाकी समय तो नहीं मिल सकते। तो जब वो बिजी हो जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी और को लीडर को ढूंढें। अब वो लीडर हो सकता है कि आपके LOS में नहीं आता हो, नहीं आता हो तो क्या फर्क पड़ता है, वहां एक घंटे का ही तो टाइम है। उस एक घंटे में कौन आदमी कितने ज्यादा फॉलोअप निपटा सकता है, भले ही वो उसके नेटवर्क के हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको रिजल्ट वैसे ही बढ़ जाएंगे, आपके वैसे ही बढ़ जाएंगे। और होता क्या है, और ये इसमें भरोसा करना पड़ेगा। जब हम फॉलोअप की बात करते हैं तो एक आदमी सोचता है नहीं जी वो तो अच्छा कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं करते हैं, और कोई आदमी किसी को साइन अप नहीं दिला पाए तो बोले इनका तो काम ही ऐसा, ये तो प्रोस्पेक्ट बिगाड़ देते हैं, और एक आदमी साइन अप दे देता है तो लोग उसी उसके पीछे पड़े रहते हैं। मुझे आप बताइए कि फॉलोअप कोई ऐसी चीज है कि गारंटी दे दे कि ये आदमी करेगा तो हो ही जाएगा और ये करेगा तो नहीं होगा? फॉलोअप तो एक प्रोसेस है ना, तो ये सारी चीजें आप सीखोगे, लेकिन सबसे पहले आप रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखो। और थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपकी छवि, यदि अच्छे रिलेशंस बनाओगे तो अच्छी छवि बनेगी, और आपने रिलेशनशिप में गड़बड़ी करी, आपने इसमें मैनिपुलेशन करना शुरू किया, तो यही एक ऐसा बिजनेस है कि आप करते हैं यहां पर हो कोई भी गलत काम और खबर कहां पहुंचती है, कंपनी में पहुंच जाती है। इतना हमारा ये सेंसिटिव है बिजनेस। आप कोई भी गलत काम करते हो, ऐसा नहीं कि आपने कर लिया तो मालूम नहीं पड़ा, वो आग की तरह, आग भी थोड़ा सा तेजी मतलब धीरे से आएगी, करंट भी थोड़ा सा धीरे से लगेगा, लेकिन ये जो खबर है हमारे नेटवर्क मार्केट में, ये बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि कोई भी गलत काम होता है या कोई भी अच्छा काम होता है तुरंत खबर मिलती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। कल मैं दर्पणा मैडम को बोला, और कैसी हैं दर्पणा मैडम, तो बोले सर आपको नाम कैसे मालूम मेरा? मैंने बोला क्यों नहीं मालूम हो सकता भाई? बोले सर आपको तो इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने बड़े नेटवर्क में आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तो फिर मैंने बताया कि भाई जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका नाम ऑटोमेटिकली ऊपर तक पहुंच जाता है, और आपने इस बार का प्रेजेंटेशन लिया है, संडे का प्रेजेंटेशन आप ही ने लिया है। बोले सर ये भी मालूम है आपको? हमने बोला सारी बातें पता चल जाती है ऊपर तक। तो आप समझ रहे हैं कि आपका बिजनेस कैसा है, हम किस पे बात कर रहे हैं, एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं। यहां पर भी सिर्फ एटीट्यूड की बात है, और कोई भी आदमी गलत तरीके से काम करेगा तो ये बिजनेस ऐसा है कि गलत आदमी को यहां रहने ही नहीं दिया जाएगा, रहेंगे ही नहीं। वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि गलत आदमी आएगा, थोड़ी दिन देखेगा, वो देखेगा कि यार यहाँ तो सारे के सारे सभ्य लोग हैं, सारे के सारे अच्छे तरीके से रहते हैं, सारे के सारे टाई लगा करके आते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, तो निगेटिव आदमी को जगह भी नहीं मिलती, वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। थैंक यू। तो इस रिलेशनशिप को आप बरकरार रखो। ये रिलेशनशिप वास्तव में वाइस वर्सा है, आप यदि एक को हेल्प करेंगे तो चार लोग आपको भी हेल्प करने वाले हैं, और इस तरीके से यदि आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और जब रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो आप DD की चेक की, तेरे कितने चेक आ रहे हैं, तेरे कितने साइन अप हुआ है, तेरे नीचे कितने बन गए, ये सारी बात करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इन चक्करों में पड़ोगे तो ये हो सकता है कि वो आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है, और आपने इन चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया तो आपका बिजनेस भी क्या होगा, डाउन चला जाएगा। तो आपको बात क्यों करनी,
और कई सारे फैक्टर हैं जिन पर ये सफलता और असफलता डिपेंड करती है। तो हमें किसी के बिजनेस में जाकर के इंटरफेरेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आपका बिजनेस, आप बड़ी सफलता तभी ले पाओगे जब आप बिजनेस को अपने सीक्रेट्स मेंटेन करके रखोगे। पैरेलल ग्रुप को क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये किए बगैर भी तो हम रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं ना। इतनी एंटीमेसी, मुझे ये बताइए कि किसी आदमी का आपने ये पता कर लिया कि इस हफ्ते का तेरा कितना चेक है तो उससे आपको कुछ मिलने वाला है क्या? क्यों पता करना? या दूसरा आदमी पता कर लेगा तो आपको कुछ फायदा होने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बिजनेस के अंदर मत जाओ, उसका बिजनेस क्या चल रहा है कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, और खराब चल रहा होगा तो आपको डिमोटिवेशन भी मिल सकता है। और जिस आदमी के साथ आप रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, कभी भी ये कंपेयर मत करो कि तेरी अपलाइन अच्छी है मेरी लाइन अपलाइन ठीक नहीं है। भाई तेरे को तो बहुत अच्छी मिल गई है इसलिए तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी अपलाइन मेरे को ठीक नहीं मिली है इसलिए मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। क्या ये मापदंड ठीक है क्या? कभी भी हमारा एटीट्यूड अपलाइन को कंपेयर करने का नहीं होना चाहिए। एक बात आप समझ लीजिए, यह आपका बिजनेस है और जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं ये पिछले 9 साल में हमने जो कुछ भी सीखा है और किस तरह से लोग गलतियां करते हैं क्या होता है उसके बाद में आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। और आप देखिए, मैंने शुरू में क्या कहा था कि इस बिजनेस को आदमी ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद बड़ी मेहनत करता रहता है, लगातार लगा रहता है, उसको लगता है कि इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। और इतनी मेहनत करने के बाद यदि सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक बार एक कोई किसान था, मजदूर था, दो मजदूर थे। एक था वो रोज जाता था, बढ़िया फर्स्ट क्लास वो काट कूट के ले आता था, उसको लकड़ी काटने का काम था, उसको वो जो मशीन थी काटने वाली, उसको आरा बोलते हैं, आरी मशीन बोलते हैं, आरी जो थी, सॉ जिसको बोलते हैं, वो थी उसके पास में, फटाफट काट के ले आता था। पहले तो वो कुल्हाड़ी से काटा करते थे, उसमें मेहनत ज्यादा लगती थी, फिर दो लोग मिलकर के खींच करके उसको काटना शुरू कर दिया, उनका काम अच्छा चलने लगा। दूसरा एक किसान और था, उसने देखा कि यार ये आरी मशीन से इसका काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्यों ना मैं भी मार्केट जाऊं और लेकर के आ जाऊं, और वो भी आरी मशीन से लगा रहता था। दिन भर में ये जो पहला वाला था ये काफी सारे पेड़ काट करके बढ़िया लकड़ी इकट्ठी कर लेता था, लेकिन दूसरा आदमी उससे ज्यादा मेहनत करता था, खूब लगा रहता था, पसीना पसीना होता था, लेकिन उतनी लकड़ी नहीं कट पाती थी। बताओ क्या कारण हो सकता है? दोनों लोग मेहनत कर रहे, नहीं धार भी थी उसकी, नहीं दो लोग से नहीं होता, बताओ, नहीं धार दोनों में थी, बताता रहूं मैं, नहीं 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 धार से नहीं था। देखो आपने यदि आरी मशीन देखी होगी तो उसमें जिगजैग करके ऐसी वो रहती है, आपने देखा है, उसमें धार की जरूरत नहीं पड़ती। उसको क्या करना पड़ता है, एक इस साइड मुड़ना पड़ता है, दूसरा दूसरी साइड मुड़ना पड़ता है, फिर इस साइड मुड़ना पड़ता है, दूसरा दूसरी साइड मुड़ना पड़ता है। तो यदि वो मुड़े रहेंगे उसके दाते तो उससे आपकी लकड़ी जल्दी चलेगी, और ये बात उसको मालूम नहीं थी। वो सोचता था कि भैया पता नहीं क्या बात है, खूब मेहनत करता था, उसने दाते जो मुड़ने की जरूरत थी वो दाते मुड़े नहीं, और बगैर मुड़े वो लगा रहता था, उसका कभी कटाई नहीं, खूब मेहनत करी उसने, और एक आदमी फटाफट लकड़ियां काट लेता था। तो डिफरेंस समझ में आया कहां था? एक आदमी यहां डायमंड बनने के लिए पसीना पसीना, अरे बोले मैं खाता हूं पसीने की खाता हूं और खूब मेहनत करता है, सब कुछ करता है, और उसको है ना चेक नहीं मिलते हैं। और एक आदमी है जो बड़े मजे से चेक बनाता रहता है, उसका ग्रुप उसको फॉलो करता रहता है। तो ये टेक्निक्स जो है आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, और आज वही बात हम आपको बता रहे हैं। और अभी आपको सोच के लग रहा होगा कि सर हमें तो लग रहा था कि सर ऐसी कोई टेक्निक बताएंगे जिससे डीडी वगैरह कैसे निकालना है, ज्यादा फॉलोअप करके हम कैसे निकाल सकते हैं, कल से जो है वो इजाफा हो जाएगा और उससे खूब डीडी निकलने लगेंगे। ये तो कुछ बता नहीं रहे, एटीट्यूड की बात बता रहे, एटीट्यूड का डीडी से क्या संबंध है? ऐसा लग रहा है आपको? लग तो रहा है लेकिन आप समझ लें, मर्जी आपकी है, आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और हमारे इस बिजनेस में सारी चीजें डुप्लीकेट हो रही है, जो आप करोगे वो नीचे वाले लोग करने वाले हैं। तो एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलेशनशिप, पीपल रिलेशनशिप, हमने क्या करना है,
ये एक योगदान है जो हर आदमी को यहाँ पर देना है। अभी राज साहब आए थे, सिस्टम के बारे में बताया, हालांकि मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं थी जितना उन्होंने बताया, लेकिन जो वो बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि यार सिस्टम तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए कि लोग आए और करोड़पति पैदा हों, ऐसी सिस्टम कुछ बन जाए, ऐसी सोच मुझे समझ में आई थी। थैंक यू। तो सिस्टम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको दिखा दिया हमने, सिर्फ नाम है यहां पे जो लिखा रहता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और यदि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सिस्टम की डेफिनेशन, वहां पर जो सतीश जी बैठे हुए हैं वो एक सिस्टम है, अरविंद जी जो बैठे हैं वो सिस्टम है, वहां पर आनंद जी बैठे हुए हैं वो सिस्टम है, भाभी जी बैठी हुई है वो एक सिस्टम है, वर्षा मैडम बैठी हुई है वो इंडिविजुअल सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम के जो सिपाही हैं, हमारे सिस्टम के जो लोग हैं, हमारे सिस्टम में जो लोग आ रहे हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा सिस्टम बन जाएगा। यदि सतीश जी अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो सिस्टम अच्छा, और सतीश जी गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, गलत एटीट्यूड रखेंगे तो हमारा सिस्टम खराब। तो सिस्टम किन से मिल करके बन रहा है, जितने लोग बैठे हुए हैं। और हम क्या सिखा रहे हैं आपको कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हर आदमी को गले लगाते आना चाहिए, हर आदमी के साथ रिलेशनशिप हम मेंटेन कर पाए, तब तो लोग आएंगे और रुकेंगे और स्टे करेंगे और काम करेंगे। और रुकने जैसी स्थिति बनती नहीं है, और हम ऐसे कुछ एक्टिविटी हो जाती है, हमसे गलतियों में गलती हो जाती है कि लोग आते हैं हमारा वो नाच गाना देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और उनको लगता है कि नहीं आ रही है तो कुछ भी नहीं है, और लोग फिर वहां से बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। तो हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि एज एन इंडिविजुअल हर आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है, यदि इस बात को समझ रहा है तो बड़ा काम कर पाएगा जब वो एटीट्यूड अपना ठीक कर लेगा। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप, जो भी बातें मैं बता सकता था मैंने आपको बताई है, और मैं आशा करता हूं कि रिलेशनशिप की जब बात आएगी तो हम किसी पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी पे डाउट नहीं करेंगे, किसी पे वो नहीं करेंगे, अपनी अपनी रिलेशनशिप पे लोगों को काम करने का मौका देंगे हम। और कोई भी उनके गेस्ट आएंगे तो वो किसी से भी मिलाएगा और अपना बिजनेस बड़ा बिल्ड करेगा, और हर आदमी को ये छूट रहेगी। जब ये पोजीशन रहेगी तो हमारा एक पोस्चर बनेगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि हमारे डाउनलाइन के लोग आते हैं किसी को लेकर के, तो हम तक मिला दिया, हमने मिल लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि कोई हमसे मिलाने लेकर के आ रहा है और हम यदि चार लोगों से और मिलवा देते हैं खुद खड़े होकर के, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, कम से कम उन लोगों के बीच में तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यदि इतना हमने मेंटेन कर लिया तो हमें कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक आदमी आएगा हम चार लोगों से दस लोगों से मिलवा देंगे, और दसों आदमी क्या बोलेंगे कि बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया है, आप इनके साथ में इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें, आपने बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया है, आप बहुत अच्छे मतलब आदमी के साथ में हैं, इस आदमी को जरूर ज्वाइन करें। जब ऐसे करके एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, दस आदमी वही भाषा का उपयोग करेंगे और दस लोगों से जब हम मिलवाएंगे तो वो आदमी तो जाते जाते फिर वो तो साइन अप हो ही जाएगा। और अभी क्या होता है, हमारा परिचय ही नहीं है, हमको डर लगता है हम किससे मिलवाएं किससे नहीं मिलवाएं, हमें डर किस बात का लगता है कि पता नहीं हम मिलवाएंगे तो वो आदमी ठीक ढंग से डील करेगा कि नहीं करेगा। हमें करना क्या, सिर्फ इतना ही तो करना कि आइए वेलकम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, इतना बोलना मुश्किल होता है क्या? तो एक दूसरे से मिलवाएं, जब भी आपका प्रॉस्पेक्ट आता है आप देखिए कि आपके कितने मतलब जल्दी आपको साइन अप मिलने वाले हैं। और ये जो एटीट्यूड जैसे ही चेंज हो जाएगा हमारा, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, वो जो वाइब्रेशन निकलेगी हमारी एक पॉजिटिविटी की, वो आपको साइन अप दिलाएगी। यहाँ आकर के लोग खुश फील करें, अच्छा महसूस करें, और आप चेयरफुल तरीके से लोगों को वहां पर रिसीव करें और उनको आप वैल्यू देना शुरू करें, लोगों को वैल्यू देना शुरू करें, आप देखिए रिजल्ट में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। और ये काम हम नीचे वालों से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, अभी जो नीचे आ रहे हैं उनको लिस्ट बनाने की जरूरत है, उनको इन्विटेशन देने की जरूरत है, उनको और चीजें करने की जरूरत है। इसलिए तो ये अलग से मीटिंग हमने बुलाई है कि सबसे पहले हम यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम चेंज करें। इसको मुश्किल है करना, इसको कर लेंगे आप? yes. अच्छे से मिलके काम करेंगे आप? yes. चलो बधाई हो दोस्तों, आज के बाद से तस्वीर भी बदलेगी आपकी। थैंक यू। एक बात और है जो हमें एज ए लीडर हमें जरूर ध्यान रखनी है, और वो है हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स, टूवर्ड्स कंप्लेन। किसी किसी का आपने देखा होगा कि इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, हर चौथे दिन वो प्रॉब्लम लेकर के फिर खड़ा हो जाता है, उसकी आदत ही है, वो जब देखो तब प्रॉब्लम किस बात करता है, दूसरी कोई बात ही नहीं करता है। जब देखो जब उसके पास इतनी सारी कंप्लेंट होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है,
अब मैं किसी से नजर मिला हूं तो ये मत सोचना कि मैं उसको बोल रहा हूं। एक आदमी भी ऐसा बैठा हुआ है ना तो ये बात उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। और कई बार तो उस आदमी का नेचर ऐसा बन जाता है, ऐसी छवि बन जाती है कि अपलाइन भी घबराती कि वो आ गया भाई भाग लो। प्रॉब्लम सिंह आ रहे हैं भाई, हमेशा प्रॉब्लम। ऐसा करने से क्या होने वाला है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जब देखो तब प्रॉब्लम। और अपलाइन मिली नहीं कि मतलब अपलाइन से सिर्फ एक ही रिलेशन है कि भैया जब भी मिलेगी मेरे को प्रॉब्लम्स की बात करना है, हाँ और कोई बात नहीं करना। और हमेशा एक एटीट्यूड और डेवलप हो जाता है कि भाई हर चीज के लिए कंप्लेंट, ये चीज ऐसी क्यों है, ऐसा होता है उनके ग्रुप में, ये होता है हमारे ग्रुप में, क्यों नहीं होता है ये, ऐसा क्यों वो वैसा क्यों। ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड आप सभी लोगों का कभी भी खत्म हो जाना चाहिए आज के बाद से। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं, जो भी है जैसा भी है उस स्वरूप में हमको लेना है। कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम यदि आपकी है तो आपकी अपलाइन की भी प्रॉब्लम है आप, लेकिन बार 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 उसको हाईलाइट मत करो, उससे बचने की कोशिश करो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी अपलाइन की नजरों में आप प्रॉब्लम सिंह बन जाते हो और आपका विकास वहीं से रुकना शुरू हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि अपलाइन हमसे भागने की बात सोचने लगे, तो इस चीज को चेंज करो। आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है जो आपको केयर करेगी, आपको बार बार आपके आपके जो भी सवाल होंगे उनका आंसर करेगी, लेकिन आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम वाला एटीट्यूड कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तब आपकी अपलाइन होती है, तब आपको ये देखना चाहिए, डाउनलाइन होती है तब आपको ये देखना चाहिए कि आपके क्रॉसलाइन के भी लोग होते हैं, और आप जो भी बात कर रहे होते हैं चार लोग और सुन रहे होते हैं, और यदि ऐसी बात करते हो ना तो वो निगेटिविटी डेवलप होती है। तो प्रॉब्लम डायमंड बनने तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डायमंड के बाद जितनी प्रॉब्लम है सारी आपकी स्वीकार की जाएगी, डायमंड बनने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तैयार है आप? तो इस एटीट्यूड को भी आप थोड़ा सा प्रॉब्लम के प्रति जो आपका एटीट्यूड है उसको चेंज करने की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता है कि हमने इस लेवल पे पहुंचने के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन प्रॉब्लम की तरफ हमारी नजर ही नहीं होती थी, हमारी नजर किस पे होती थी, काम की तरफ होती थी। तो इसको आप भूल जाओ कि कोई प्रॉब्लम होती भी है, ठीक। अब चलिए देखते हैं एटीट्यूड टूवर्ड्स अपलाइन, हमारा क्या एटीट्यूड होता है वो हमको देखना जरूरी है। क्या अपलाइन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करने की बात नहीं कर रहे आप? जिस अपलाइन की लीडरशिप में आप काम कर रहे हैं आपको फक्र होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छी हमको अपलाइन मिली है, ऐसा फील करते हो या फिर सोचते हो कि भैया ये तो किस्मत से अपलाइन बन गए हैं, इनने किया क्या है। जब हम सिल्वर बनते हैं तो इनको तो डायमंड बनना, हमारे काम करने से इनके चेक आते हैं। यदि ये इस तरह की कुछ फीलिंग आ रही है, या आप सोचते हो कि भाई अपलाइन से हम कुछ पैसे की डिमांड करें कि भाई मेरा तो बिजनेस चल नहीं रहा है सर, आपके तो चेक आ रहे हैं, आप तो हर हफ्ते वहां टेस्टिमोनी देते हो कि भाई इतने आए उतने आए,